थैंक यू वेरी मच गागर में सागर साहब फॉर अलाउिंग मी टू स्पीक ऑन द डिमांड ऑफ फॉर ग्रांट्स द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। मेरे यहाँ सागर तो नहीं है लेकिन हाँ गंगा जी है हम मेरे लोकसभा क्षेत्र में, और वाकई जो मौजूदा हेल्थ मिनिस्टर हैं और पुराने शिपिंग के मिनिस्टर थे मनसुख भाई मंडाविया साहब ने बहुत एनलाइटन किया हाउस को। वो मैं देख रहा था पहली बार शायद किसी मिनिस्टर ने इतना लंबा इंटरवेंशन किया, लेकिन एटलीस्ट हम लोगों को जानकारी मिली। सर ये विभाग बहुत इम्पोर्टेंट विभाग है। मैं इसकी हिस्ट्री में जा रहा था तो पता ये चला कि 1942 में इस डिपार्टमेंट का नाम था वॉर ट्रांसपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर ट्रांसपोर्ट। कई बार चेंज हुआ है और ये सच्चाई है कि स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले जमाने में हवाई जहाज के थ्रू युद्ध लड़े गए, फिर थल सेना के थ्रू युद्ध लड़े गए, लेकिन आने वाला वक्त जो है वो पानी का है और हमें अपने जो कोस्टल लाइन है उसकी सिक्योरिटी का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को सिर्फ ये एक चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर हमारी स्ट्रेटेजिक चीजें जो हैं किसी एक कॉरपोरेट हाउस को ना दी जाएं, क्योंकि अगर किसी एक आइडेंटिटी को, एक कॉरपोरेट हाउस को हम अपने सारे बंदरगाह भी दे दें, हम जो है सारे एयरपोर्ट्स भी दे दें, तो आने वाला कल कहीं ना कहीं असुरक्षा महसूस करेगा। मेरा किसी एक कॉरपोरेट हाउस से कोई पर्सनल वो नहीं है, लेकिन मैं एक स्ट्रेटेजिक व्यू लेते हुए ये बात सदन के सामने रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि जब आने वाली जनरेशन्स पढ़े तो उसको ध्यान में रखा जाए। माननीय सभापति महोदय, ये बात सही है कि हमारा यहाँ जितना कार्गो इम्पोर्ट होता है तकरीबन 90-95% पोर्ट्स के ही माध्यम से आता है, और इस इंडस्ट्री में वाकई बहुत स्कोप है। तकरीबन 72,000 किलोमीटर के करीब कोस्टल लाइन है हमारे पास। मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूंगा कि शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है। हम भी गए थे पिछले दिनों, क्योंकि ये खाली इनका ही डिपार्टमेंट नहीं बल्कि डिफेंस का डिपार्टमेंट भी, ऐसी ऐसी पीएसयूज हैं उनको मदद करने की ज़रूरत है और बहुत स्कोप है उसमें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपना इंटरवेंशन के दौरान कहा। मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके माध्यम से यही कहूँगा कि पिछले दिनों एक अखबार में खबर आई कि शिप इंडस्ट्री से ही रिलेटेड कि कोई एक कौन सा वो एबीजी शिपयार्ड कंपनी कोई थी, तकरीबन 22,500 करोड़ से ज़्यादा का फ्रॉड घोटाला बैंक्स का लेकर के भाग गया। तो ऐसे ऐसे जो कॉरपोरेट्स हैं या जो कंपनी हैं ऐसी योजनाओं का जो फायदा उठाती हैं उन पे हमें लगाम लगाने की ज़रूरत है। अब 22,500 करोड़ वो गरीबों का, टैक्स पेयर्स की मनी है जो बैंक्स की थी जिनको लूट करके चले गए। सभापति मोदी, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो वाटरवेज
डिपार्टमेंट है, क्रूज की बात हुई यहाँ, अंतर्राष्ट्रीय अकेला बोल रहा हूँ पार्टी की, कोई बात नहीं, पांच मिनट हो चुके हैं भाई, आपका भी क्षेत्र मेरे यहाँ से मिला हुआ है, पांच मिनट हो चुके हैं। मैं इतना ही कहूंगा सर कि हमारे यहाँ गंगा है, ब्रजघाट और तिगरी धाम। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आप मेरे क्षेत्र में स्टडी कराइए। दिल्ली से एक घंटे का रास्ता है बाय रोड, अगर उस ब्रजघाट तिगरी धाम को डेवलप किया जाए टूरिज्म के तहत, वहां पर नौकाएं चलाई जाए, तो मैं समझता हूं कि दिल्ली के आसपास सबसे बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट वो हो सकता है, क्योंकि हमारे एरिया में दिल्ली के आसपास सर कहीं ऐसी जगह नहीं है। मैं आपके माध्यम से यही उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इसका संज्ञान लेंगे और अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के ब्रजघाट और तिगरी धाम में जो है नौका विहार चलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।